टू पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यार। कोई भी विद्यार्थी अगर किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर देने में असमर्थ है देन इट डज नॉट मीन दैट ही इज नॉट अ गुड स्टूडेंट बिकॉज यू डोंट हैव एनी ऑप्शन देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज वॉट इज द एग्जैक्ट आंसर। अंडरस्टैंड इफ यू हैव फोर ऑप्शन देन ईजली आई ऑल्सो मी ईजली आई कैन फाइंड इट आउट वॉट इज द एग्जैक्ट आंसर। एक डांस आया था बिहू डांस, पता है क्या आपको? दिया तो नहीं है लेकिन आपने पढ़ा तो होगा बिहू डांस। हाँ। कामाख्या टेम्पल ये कहाँ पर है? नहीं पता। पाकिस्तान की जो राजधानी है वो कौन सी? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। मैम आर यू अग्री? आप अग्री कर रही हैं? यस सर। इस्लामाबाद से। और कराची फिर ये क्या है? कराची। इस्लामाबाद या कराची? कंफ्यूज वाला हो गया ना? यस। चलिए कोई बात नहीं मैम, इस्लामाबाद एकदम सही है। पोंगल फेस्टिवल है वो किस राज्य से संबंध है? पोंगल। आप जरा सोच के बताइएगा। आप सर, आप तो मुझे ऐसा लग रहा है आप सारे क्वेश्चंस का जवाब दे रहे हैं। तमिलनाडु। तमिलनाडु एग्जैक्टली। सर एक जल्लीकट्टू फेस्टिवल भी होता है, ये भी कहाँ का है? तमिलनाडु। एग्जैक्टली। ये दो फेस्टिवल थे। ये धुआंधार जलप्रपात वाटरफॉल जो है वो किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। क्या बात है राजा, बहुत बढ़िया। सर नर्मदा नदी ये कहाँ पर है धुआंधार जलप्रपात? एमपी मध्य प्रदेश में। क्या बात है। ये वाटरफॉल जो है वो किस प्लेस पर है इन एमपी? सर ये तो नहीं मालूम। ये थोड़ा ज्यादा हो गया ना। था इफ यू नो देन यू कैन आंसर एंड इफ यू डोंट नो आई कैन रिप्लाई। मतलब किस आर्टिकल में संसद के बारे में बताया गया? 80। सर ही इज राइट और नॉट राइट? सर तीन आर्टिकल 79, 80 और 81 जो आर्टिकल है हम लोग सभी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, अच्छा लगता है। 81 किससे संबंधित है? सर आप लोकसभा। एब्सोल्युटली। क्या बात है, तीनों एकदम सीरियस से हैं। कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो अभी रिसेंटली वर्तमान में कौन है सर? आपको पता ना किसान आंदोलन सुप्रीम कोर्ट गया था तो सरकार के बारे में पक्ष जो रखा था वेणुगोपाल। वेणुगोपाल लिया था, यानी कि वो इंडिया के सबसे बड़े वकील माने जा सकते हैं। yes. किस आर्टिकल के अंदर है उनका जो उनके बारे में बताया गया है? ऑप्शन देता हूँ मैं, कोई बात नहीं। 74, 75, 76। बेस्ट जो कोयला होता है, कोयले की कैटेगरी को पूछा गया था कि सर्वोत्तम जो कोयला है वो कौन सा है? ऑप्शन दे दीजिए। हाँ बिल्कुल सही बात है। सर बिटुमिनस कोयला के बारे में भी सुना होगा, तो बिटुमिनस के बारे में कल मेरे को एक कमेंट किया था कि सर आप स्टूडेंट से पूछना कि बिटुमिनस के बारे में, एंथ्रासाइट और बिटुमिनस इन दोनों की कैटेगरीज अलग है, तो बिटुमिनस का क्या रोल होता है, उसको मतलब फेमस क्यों है? आपने कुछ फैक्ट कोई याद आ रहा है क्या आपको? आपको सर नो आईडिया। देखिए अगर आपको बिटुमिनस के बारे में काफ़ी स्टूडेंट्स ने पूछा था, मैंने सर से पूछा कि हो सकता है उनको इसके बारे में अगर कोई फैक्ट पता हो तो वो ज़रूर शेयर करें। आप भी कमेंट कर सकते हैं। नोबल पुरस्कार होता है वो किस डेट को दिया जाता है? मैं जस्ट जिसे पूछता हूँ 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को। सर डू यू नो अबाउट इट्स फैक्ट, क्या कोई जानकारी है आपको 10 दिसंबर? ये इसका शुरुआत शायद 1901 में हुआ था। हिंदुस्तान में मिलने वाला सबसे पहला ज्ञानपीठ जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो कौन सा था, मतलब किसको मिला था वो? नहीं आपको सर ज्ञानपीठ पुरस्कार? सर नो आइडिया। आप जरा कमेंट करके बताना 55 जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? मिनाद झील। आपको पता है वो कहाँ पर? केरल। और एक आया था कि जल्लीकट्टू, आपने नाम सुना होगा, ये गेम होता है तमिलनाडु का। हाँ। पोंगल के बारे में? पोंगल हाँ पता है, रुक जा बता रहा हूँ। पोंगल हाँ, पोंगल जल्लीकट्टू वाला ना की मतलब पोटरी बांधी जाती है। हाँ, और क्या बांधी जाती है, उसको लेना पड़ता है। हाँ, 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 और इसके अच्छा और क्वेश्चन एक लास्ट और बचा है, मैंने ऑलमोस्ट जो है वो स्टूडेंट्स ने पूछ ही लिया है। और एक था सर एक नया जोन बना है यू नो रेलवे के अंदर 18 माह, मतलब सर ने तो मतलब लेट के बता रहे हैं, और जब खड़े होंगे तो क्या होता है भैया? खड़े होंगे तो बहुत बढ़िया बता रहे हैं। तो जब खड़े हो जाएंगे तो मतलब क्या बताएंगे? और क्या ये 17वां आपको याद है? 17वां कौन सा था? हाँ सर जी ऑप्शन देता हूँ, कोलकाता या फिर विशाखापट्टनम। कोलकाता मेट्रो वो 17वां था, 18वां विशाखापट्टनम बन गया। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किस घटना के बाद में नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था? आपसे मैं सर जलियावाला। एब्सोल्युटली। सर कब हुआ था जलियावाला? 1919 में हुआ था शायद, अप्रैल में हुआ था। हाँ डेट 13 अप्रैल। एग्जैक्टली। क्या बात है, बात है डेट याद आपको? नहीं सबने अवज्ञा आंदोलन सर आपको याद? डेट नहीं एग्जैक्ट, 1922 में हुआ। 1922 के सबने अवज्ञा आंदोलन। कहाँ से आए आप? अम्बेडकर नगर से। आप कहाँ से आए सर? अम्बेडकर नगर। आप अम्बेडकर नगर से हैं आप जी?
अच्छा अच्छा, तो आपने खाना वाना तो खा लिया होगा? हाँ सर, खाना वाना खा लिया। किस से आए थे आप, ट्रेन से आए थे? नहीं, बस से आए थे। आप बस से आए थे, मतलब परेशानी तो हुई होगी? हाँ सर, थोड़ा परेशानी तो जरूर हुआ। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4। अच्छा, मैं जिससे पूछूं वो, वरना गड़बड़ कर दो क्या? H2SO4 अम्लों का राजा कहा जाता है सर। H2SO4 को ओजोन जो होता है, ओजोन उसके अंदर, हाँ रुक जाओ, मैं जो पूछने वाला हूँ वो आपसे पूछने वाला हूँ। ओजोन जो है उसके अंदर कितने अणु मिलते हैं? तीन अणु। ये ओजोन लेयर है वो किस मंडल में पाया जाता है? समताप में। समताप में। अच्छा ये बताइए, अभी अगर जो एक वायुयान है और उसकी अगर स्पीड को नापा जाए, उसके लिए मीटर कौन सा होता है? वायुयान की गति की स्पीड को मापने के लिए कौन सा यंत्र? फिलहाल याद तो नहीं, लेकिन अगर विकल्प में है तो आराम से लगा लेंगे। आपसे पूछता हूँ मैं, आपने तो सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया। सिमलीपाल ये उद्यान है। हाँ, सिमलीपाल भीतरकंड का, उड़ीसा का है। उड़ीसा का है जी। आप बताइए जी, उड़ीसा का है। उड़ीसा के अंदर कुछ चीज जो आपको याद आ रही है जो बहुत, वहाँ जो है ओड़बिले कछुए जो है भीतरकंड का में पाए जाते हैं। क्या बात है। आपसे पूछता हूँ मैं, आप तो दासु हो। आपसे पूछा गया था कि राज्यसभा जो है इसका कार्यकाल, अब डोंट डिस्टर्ब मी, कितना कार्यकाल? राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। सर आपको क्या लगता है, राज्यसभा स्थायी या फिर अस्थायी है? सर ये जो है अस्थायी सदन है। स्थायी है, अस्थायी नहीं है। तो इसका टाइम पीरियड कुछ नहीं होता? 6 साल होता है। मतलब उनके टाइम पीरियड नहीं होता, मेंबर का होता है 6 साल। देखिएगा, ये सब एग्जाम देंगे और जाहिर है जब ऐसे विद्यार्थी अगर एग्जाम देंगे तो दे आर फुली सेटिस्फाइड विद देयर नॉलेज एंड उनको सच में बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। दे आर फेसिंग द कैमरा, उनको बिल्कुल भी ये डर नहीं है। यहाँ पर अलॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो अपीयर होंगे एग्जाम में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसके अंदर स्थायी सदस्य कितने, संख्या क्या है? 5 है। उनका नाम असर आप बताइए। नहीं, नाम चाइना है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, USA है और एक रशिया है। एकदम सही बात है। और अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी? 10 है भाई। 10 है। देखिएगा, आप सब ये सब हम तो खैर एंजॉय कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई की बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आप भी इनको फैक्ट को याद कर लीजिएगा, ये बहुत जरूर और बेसिक भी होता है। भारत 8वीं बार सदस्य बना है। हमारे इंडिया के अभी जो है कार्यकारी बॉडी के कोई अध्यक्ष बने हुए हैं WHO में, उनका नाम क्या? हाँ, जो हमारे मतलब हर्षवर्धन जी हैं, मतलब हमारे वो मंत्री, क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य मंत्री उन्हें हैं। एग्जैक्टली। देखिए, काफ़ी कुछ नॉलेज इनसे हमें प्राप्त हो रहा है। यार बताई दोगे फिर? मन नहीं कर रहा। छठ पूजा, रुक जाओ भाई, कहाँ पर? सर बिहार में होता है। बिहार के CM कौन? बिहार के हैं नीतीश कुमार। राज्यपाल कौन? राज्यपाल फागू चौहान। राजस्थान के राज्यपाल? सर राजस्थान के जो है कलराज मिश्र। और CM कौन है? अरे कोई बात नहीं यार, ऑप्शन होता तो अभी फट से गए हैं सर। क्या लगता है आर्टिकल 61 किस से संबंध रखता है? महाभियोग से। हाँ लिसन, हेलो, यू कैन सर्च राम चौधरी ऑन यूट्यूब, देन यू कैन फाइंड योर वीडियो टुमारो मॉर्निंग 9 o'clock। इसके बाद यहाँ तो मतलब यार मैरिड भी पर्सन आए हुए हैं। हेलो, कैसे हैं आप? अरे भैया ठीक है, फिलहाल वहाँ पेपर अभी हुआ नहीं है। एकदम बढ़िया। एग्जाम है आपका? हाँ अभी है, सेकंड शिफ्ट। आप इतने हाइपर परेशान हैं ऐसे? कहाँ परेशान है, परेशान है क्या? मैं बैठ सकता हूँ? चलो, थैंक यू सो मच। कहाँ से हैं आप? हम हैं फैजाबाद से भैया। आप भैया? आजमगढ़। अरे बैठ लो यार, ऐसे नहीं फिर तो हम भी खड़े हो जाएंगे। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा मिलने वाला जो कोयला है उसका नाम क्या? रुक जाओ, उसका नाम क्या? उसका ये सेकंड वाला है यार, आप जरा बताओ। सर सेवर तो नहीं है पूरा, हीमेटाइट। हाँ आप जरा बताइए सर। कोयले की सबसे अच्छी क्वालिटी जो होती है तो एंथ्रासाइट होती है। एंथ्रासाइट होता है, हाँ एकदम सही है, लेकिन इंडिया के अंदर एंथ्रासाइट नहीं मिलता। तो फिर अब तो फिर बिटुमिनस मिलता है। हाँ बिटुमिनस, बिटुमिनस फिलहाल अगर हम ऑप्शन मिलर लगा देते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्यों बिटुमिनस भी आपने बोला ना सेकंड नंबर पर आता है, वो बी फॉर सेकंड है और एग्जैक्टली वो सेकंड पर ही आता है। 96% मिलता, मतलब कोयले वो रहते हैं। एक हाँ फंस रहे हैं, तो लाफिंग गैस का सूत्र क्या? Laughing है, N2S। N2S है, N2S Nitrous Oxide, N2O है, sorry। Nitrous Oxide है। देखिए, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस वैसे तो ये 14 सितंबर को अपने यहाँ मनाया जाता है, एंड शायद 10 जनवरी। एग्जैक्ट, बिल्कुल सही बात है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, लेकिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस
14 सितंबर। कल का जो मॉर्निंग शिफ्ट का वीडियो आएगा उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कमेंट कर दीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन देन यू कैन कमेंट, राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। डेफिनेटली टुमारो मॉर्निंग आई विल ट्राई टू कम हियर एंड टू आस्क ऑल दिस क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट्स। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।